हेलो हेलो हेलो, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकॉक बबल्स। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त आर्श। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं जिसका नाम है थाईलैंड सैंडबॉक्स एंड ऑन अराइवल वीजा। दोस्तों, क्योंकि मेरे बहुत सारे इंडियन भाई है, वो लोग वेटिंग में थे कि ये वाला वीडियो कब आएगा, थाईलैंड की अपडेट कब आएगी। दोस्तों, तो आज जो मेरे पास अपडेट है दोस्तों, मैं आपसे शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को पूरा एंजॉय करना और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना जो लोग थाईलैंड में आने का प्लान कर रहे हैं, जो लोग थाईलैंड में आने का सोच रहे हैं, उनके लिए वीडियो बड़ा अच्छा अपडेट होगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको मजा आएगा वीडियो में, ठीक है। तो गाइस, बात ऐसी थी कि मेरे को कई दिन से व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज आते थे कि भाई थाईलैंड की अपडेट क्या है, वीजा की अपडेट क्या है, तो आप बताइए। तो आज मैंने सोचा कि चलो वीडियो अपलोड करके मेरे दोस्तों से शेयर करते कि भाई वीजा अभी ऐसा ऐसा ओपन हो रहा है और आपको आना है तो आप आ सकते हैं। अभी एयर इंडिया का भी फ्लाइट का अपडेट कुछ आ रहा है और थाई एयरवेज ने भी कुछ अपडेट कर दिया है दोस्तों। ठीक है गाइस, डिस्कस करते हैं थाईलैंड के ऑन अराइवल वीजा के प्रोग्राम के ऊपर। तो गाइस, नंबर वन पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो जैसे आप फ्लाइट में से बाहर आए तो जैसे आप जाओगे सीधे इमिग्रेशन की तरफ, राइट। तो इमिग्रेशन से पहले आपको जो काउंटर रहेगा वहां पे आपको फॉर्म दिया जाएगा जो आपको फिलअप करना पड़ेगा ऑन अराइवल वीजा के लिए। अगर वो आपको फॉर्म इंडिया से भी चाहिए तो आप उसकी वेबसाइट से डाउनलोड करके आप फिलअप करके ला सकते हैं, बहुत ही इजीली है दोस्तों, हार्ड नहीं है। तो एयरपोर्ट पे जैसे आओगे आप फॉर्म लेकर उसको फिलअप कर, आपका जो पासपोर्ट नंबर है, जो भी आपका डिटेल्स है, एड्रेस है, वो भी आपको सब फिलअप करना है। तो ये होगा नंबर वन प्रोसेस, राइट। सेकंड नंबर का पॉइंट ये है कि आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर होने के नजदीक नहीं होना चाहिए। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आपका पासपोर्ट फुल हो, जो भी कुछ है वो इश्यू नहीं होना चाहिए, आपका पासपोर्ट पूरा क्लियर और वैलिडिटी वाला होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, थर्ड नंबर का जो पॉइंट है, आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए दोस्तों, उसके बिना आप नहीं आ सकते, वो बहुत ही जरूरी है। जैसे आप वन वे की करा के आप नहीं आ सकते ऑन अराइवल वीजा के लिए, ठीक है। तो आप ये बात को खास ध्यान में रखिए, रिटर्न कंफर्म टिकट आपके पास होनी चाहिए, हार्ड कॉपी। दोस्तों, फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है, अभी थाईलैंड में जो कोविड के बाद का जो सिचुएशन है उसमें एक दोस्तों एक लाइसेंस सर्टिफिकेट मिलता है जिसका नाम है SHA, जो टूर कंपनी को, जैसे साइट सीइंग कंपनी को, होटल्स को, तो SHA प्लस उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपको यही होटल आपको बुकिंग करनी पड़ेगी जो SHA प्लस है, जो उसका स्टैंडर्ड है दोस्तों, थाईलैंड का जो रूल्स है अभी, कि अगर आपको ये प्रोग्राम के अंदर आपको आना है, जैसे जो भी आपका सैंडबॉक्स प्रोग्राम होगा, जैसे फुकेत वाला प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम है, आपको थाईलैंड के अंदर फर्स्ट आपको SHA प्लस होटल में ही आना पड़ेगा, उसके अंदर ही आपको बुकिंग करना पड़ेगा, उसके अंदर ही दोस्तों आपको चेकिंग करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखें दोस्तों, बात आप कोई भी होटल डायरेक्टली आप बुक नहीं कर सकते, जैसे आपकी कोई फेवरेट हो वो आप नहीं कर सकते। आपको जो भी चीज आपको बुक करनी है दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, होटल हो गया, साइट सीन हो गया, सभी कुछ आपको SHA प्लस से ही करना होगा, वही आपके लिए सेफ साइट में रहेगा। पांचवा नंबर का पॉइंट दोस्तों, आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए, 4x6 का उसका जो साइज है, उसका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और दोस्तों, उसके ऊपर जो फोटो के अंदर आपके सर के ऊपर कोई कैप या सनग्लास वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वीजा का जो कंडीशन होता है उनके लिए पूरा क्लियर आईज, जो भी फेस क्लियर, वो फोटो होना चाहिए आपके पास। पासपोर्ट साइज दो फोटो आप इंडिया से लाना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप एयरपोर्ट में जाके आप सोचोगे कि आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी है दोस्तों ये सुविधा एयरपोर्ट के अंदर, पर अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो दोस्तों आपको 200-300 बाद दो तीन फोटो के लिए आपको लॉस होगा दोस्तों। तो बेटर है आप जहां से आप फ्लाई करते हो तो आपके साथ फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो आप लेके आइए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और इजी दोस्तों। 6 नंबर का जो कंडीशन है दोस्तों, वो 10,000 बाद एटलीस्ट आपको शो करना पड़ेगा, 10,000 बाद, आप ध्यान में रखिए। ये जो शो मनी है, क्योंकि ये लोग क्या है, चेक करते हैं कि भाई आपके पास जो भी USD में है, जो आपका थाई बात में होना चाहिए, ये लोग दो करेंसी ज्यादातर चेक करते हैं, जो होता है थाई बात। अगर आपने 10,000 थाई बात दिखा दिया, अगर वो आपसे चेक करना चाहते हैं तो आपसे पूछेंगे भाई शो मनी, तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपके पास USD है, 10,000 जो 10,000 बात और उससे ज्यादा, नो प्रॉब्लम, USD में आपसे आपके पास है इसके जो बराबर का अमाउंट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो आप खास ध्यान रखिए कि आपके पास शो मनी होना चाहिए। तो गाइस, ये था उसका कुछ सिंपल प्रोसेस जो ऑन अराइवल वीजा का, आपको जो भी आना चाहता है वो आ सकता है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाइस, ये पॉइंट में हम बात करेंगे कि ये आपको ऑन अराइवल वीजा को कितने दिन का मिलेगा दोस्तों। तो पहले जो मिलता था, आज से 2-3 साल की बात में जो पहले की बात करूं तो दोस्तों 30 डेज का मिलता था, अभी फिलहाल आपको मिलेगा ओनली 15 डेज का, और वो एक्सटेंडेबल नहीं होगा दोस्तों। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, अगर आपको ये जो प्रोग्राम है आपका जो ऑन अराइवल वीजा वाला, अगर उसमें आप आते हैं तो आपको दोस्तों 15 दिन से ज्यादा आप रुक नहीं सकते। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए दोस्तों, 15 दिन से ज्यादा आप एक्सटेंड भी नहीं करा सकते, तो आपको सीधा रिटर्न ही होना पड़ेगा। और जब भी आप फ्लाइट बुक करते हो तो आप एक बात ध्यान में रखिए, आप 13 या 14 डे में आपका जो रिटर्न टिकट है वो आप कर दीजिए, 15 डे का आप रिस्क लेने का मत करिए, अगर बाई चांस कुछ हो जाता है, राइट, इश्यू तो होता रहता है।
तो आप रिस्क में ना आ जाओ, और अगर आप हो गए तो दोस्तों ओवरस्टे हो जाओगे तो वो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो आप बिल्कुल ये बात ध्यान में रखिए कि आपको 15 डे का आपको वीजा मिलने वाला है, ऑन अराइवल वीजा का जो सिस्टम है उसके अंदर। तो आपको यही गाइस अभी डिस्कस करेंगे थाईलैंड सैंडबॉक्स के बारे में। तो दोस्तों नंबर वन पॉइंट है, पहले तो आपका अराइवल होगा, बहुत ही अच्छे से आपका वेलकम करेंगे क्योंकि बहुत दिन बाद आप थाईलैंड में एंटर कर रहे हैं, तो आपका अच्छे से ये लोग वेलकम करेंगे, राइट। उसके बाद में आपका दूसरा जो वेलकम होगा वो आपका आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे ये लोग दोस्तों, तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए दोस्तों। और एक बात है दोस्तों, जब भी आप इंडिया से आते हो तो आपको पहले से ही आरटीपीसीआर टेस्ट आपको करा के आना पड़ेगा, तो आपको वो भी सर्टी आपके साथ रखना पड़ेगा, आप ध्यान में रखिए। सेकंड नंबर का दोस्तों ये पॉइंट होगा कि जैसे आपका आरटीपीसीआर वहां पे टेस्ट होगा, उसके बाद में सीधा होटल में जाना है, आप रिलैक्स करो, आपका आराम करो शांति से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वेट करना है आपका रिजल्ट क्या आता है, जब पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है उसका आपको वेट करना पड़ेगा। नेगेटिव आया तो दोस्तों फुल मौज है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, वहां पे आपको फुकेट के अंदर आपको 7 डेज आपको रुकना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद में तो क्या है, जैसे नॉर्मली आपका नेगेटिव अगर आपका आ जाता है जो रिपोर्ट है आरटीपीसीआर जो आपका एयरपोर्ट पे किया था, उसके बाद में तो दोस्तों आप फ्री हो। फुकेट के अंदर आपको 7 दिन रुकना पड़ेगा दोस्तों। तो फुकेट के अंदर आप घूमिए, 7-Eleven में जाइए, आपके स्ट्रीट में जाइए, आप सी बीच में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। फुकेट के अंदर आपको 7 दिन रुकना पड़ेगा, ये आप ध्यान में रखना है दोस्तों। फुकेट के बाहर आप नहीं जा सकते 7 दिन के लिए। उसके बाद में लास्ट में आपका और एक बार ये लोग करेंगे आरटीपीसीआर टेस्ट। जैसे 7 डेज खत्म होता है फुकेट के अंदर, एक अच्छी बात है दोस्तों आपको क्वारंटाइन नहीं करेंगे, जैसे रूम में आपको लॉक करेंगे वो आपका नहीं होगा, राइट। तो ये अच्छी बात है दोस्तों, आप फुकेट के अंदर आप घूम सकते हैं। अभी आप सोचोगे कि भाई 7 दिन तो फुकेट में निकाल लिया तो अभी हम कहाँ जाए, तो दोस्तों बाद में आपको जहां पे भी जाना हो जो भी आपका प्लान है आप जा सकते हैं। आपको बैंकॉक आना है, पताया जाना है, कोह सामुई जाना है, क्राबी जाना है, जहां पे भी आपको जाना है जो भी आपका प्लानिंग है तो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसी आपकी आइटनरी आपने बनाई है इंडिया से जो भी है आप वो फॉलो कर सकते हैं, तो बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आप आइए एंजॉय कीजिए, पूरा थाईलैंड में घूमिए, नो इश्यू। दोस्तों मेन पॉइंट की बात करते हैं, इसकी कंडीशन क्या है। तो कंडीशन में दोस्तों ये है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री आपको लाना पड़ेगा, COE लेटर, वो आपको रॉयल थाई एम्बेसी इंडिया से आपको लाना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, जैसे आपका ये प्लानिंग है थाईलैंड आने का तो आप रॉयल थाई एम्बेसी जहां पे उनकी कॉन्सुलेट है वहां पे आप अप्लाई कीजिए, और वहां से आपको दोस्तों ये COE लेटर आपको लेना पड़ेगा, ये आपका फर्स्ट कंडीशन। तो गाइस डिस्कस करते हैं इंश्योरेंस वाला पॉइंट पे, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को जो कंफ्यूजन था कि इंश्योरेंस का क्या पॉलिसी है। तो दोस्तों पॉलिसी तो नॉर्मल है, आपको 1 लाख USD का आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा कोविड इंश्योरेंस। तो वो आपको थाई एम्बेसी से आप मालूम कर सकते हैं, और भी सोर्स है जैसे इंश्योरेंस कंपनी है वहां से आप मालूम कर सकते हैं कि भाई उसका जो फर्स्ट प्रीमियम क्या है, वो एक ही बार आप पे करके जो भी 8-10 हज़ार जो भी उसका प्राइसिंग होगा वो आप इंडिया से आप पता करके वो आप ले सकते हैं। तो आपका ये मस्ट है, आपका आपके पास होना चाहिए, तभी आप थाईलैंड में आ सकते हैं कोविड का इंश्योरेंस। उसके बाद में दोस्तों जैसे मैंने बताया ऑन अराइवल वीजा वाला जो प्रोसेस में, तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको SHA+ होटल में ही आना पड़ेगा, आपकी जो फेवरेट होटल में उसमें आप नहीं जा सकते। वैसे तो दोस्तों बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जितनी अच्छी प्रॉपर्टीज है जो मेन प्रॉपर्टीज है सबके पास अभी सर्टिफाइड है SHA+, और बहुत सारे टूर ट्रैवल कंपनी है जैसे साइट सीन का काम जो लोग करते हैं, जो लोग इसके अंदर जुड़े हुए टूरिज्म इंडस्ट्री में, सभी के पास दोस्तों अभी SHA+ सर्टिफाइड है। तो आप उसका टेंशन मत रखिए, पर जहां से भी आप बुक करते हैं, जैसे आप एजेंट हो गए, जैसे आपका पोर्टल हो गया ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपका सोर्स है, तो वहां से आप SHA+ होटल में ही आपको बुकिंग करना है दोस्तों, ये बात आप खास ध्यान में रखिए SHA+। तो गाइस लास्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं कि भाई आपको लाना पड़ेगा वैक्सीनेशन प्रूफ का जो आपका सर्टिफिकेट है इंडिया से आपको लाना पड़ेगा। उसके अंदर एक मेन बात दोस्तों जरूरी है, मेरे बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन थी दोस्तों, उसके अंदर आपको एक चीज खास ध्यान रखने की कि जैसे आपका जो वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर दोस्तों आपका आधार कार्ड नंबर नहीं पर आपका पासपोर्ट नंबर होना चाहिए। उसके लिए सिंपल है, अगर आपका आधार कार्ड नंबर है तो आप उसके जो वैक्सीन की वेबसाइट है उसमें जाइए, और उसके अंदर दोस्तों आपका जो पासपोर्ट नंबर अपडेट कीजिए, उसके बाद में आप ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप फॉरेन में आप ट्रैवल करते हैं तो आपका जो आधार कार्ड नंबर नहीं चलेगा, आपका चलेगा पासपोर्ट नंबर। तो ये दोस्तों नॉर्मल चीज है, आप उसके अंदर ये अपडेट करके यहाँ पे ला सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है गाइस, एक लास्ट पॉइंट में भी हम बात कर लेते हैं कि भाई मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को ऐसा होता होगा अभी कि भाई ये तो बहुत सारी कंडीशन है सैंडबॉक्स के अंदर। तो जैसे दोस्तों फ्रीली जो ट्रैवलिंग था जो पहले वाला जो 2019 में था वो भी दोस्तों जल्द से जल्द होगा, क्योंकि थाईलैंड को भी उनका कंट्री में जो भी टूरिज्म सिस्टम को अपडेट करना है, राइट। तो वो लोग धीरे धीरे भी ये भी सिस्टम वो लोग अप्लाई करेंगे कि भाई जो फ्री वीजा था और बिल्कुल फ्रीली आ सकते थे वो भी धीरे धीरे होगा दोस्तों। यहाँ पे भी दोस्तों देखो अभी वैक्सीनेशन अच्छे से हो रहा है, नंबर ऑफ केस भी कम आ रहा है, तो थाईलैंड की गवर्नमेंट आपका भी सेफ्टी देख रही है और उनका कंट्री का भी सेफ्टी देख रही है दोस्तों, इसलिए ये लोग धीरे धीरे वाया सैंडबॉक्स ये लोग ओपन कर रहे हैं कंट्री, राइट।
तो आप थोड़ा वेट कीजिए, आपके लिए और भी एक अच्छा गुड न्यूज आ जाएगा जल्द से जल्द। तो गाइज अगर आपको ज्यादा कुछ जानना है, कुछ आपको कंफ्यूजन है थाईलैंड के बारे में, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे को मैसेज आप कर सकते हैं, मेरा आईडी अभी शो कर रहा है नीचे, तो आप मेरे को फॉलो कीजिए। और अगर आपको व्हाट्सअप नंबर चाहिए वो भी मैं आपको दे दूंगा, जस्ट आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। गाइस आज वाला वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आने वाली वीडियो के अंदर दोस्तों बहुत सारी अपडेट आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि थाईलैंड के लिए अभी कौन सी एयरलाइन ओपन है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो आप वेट करो, मैं कल ही अपलोड करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलेंगे नए वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।